नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। सूखा प्रभावित लातूर में ट्रेन से पहुंचा पानी। अब तक के सबसे भयंकर सूखे से जूझ रहे मराठवाड़ा के लातूर क्षेत्र के लिए एक विशेष ट्रेन लगभग 5 लाख लीटर पानी लेकर आज सुबह पहुंच गई है। लातूर के लिए पानी लेकर आई 10 डिब्बों वाली ये ट्रेन पश्चिमी महाराष्ट्र के मिराज से सोमवार सुबह लगभग 11 बजे चली थी और आज सुबह 5 बजे ये लातूर पहुंची है। एक वैगन में 50,000 लीटर पानी है। इस ट्रेन को 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में 18 घंटे का समय लगा है। इन डिब्बों में पानी सांगली जिले के मिराज रेलवे स्टेशन पर भरा गया था। जिला प्रशासन ने लातूर रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक बड़े कुएं को अधिग्रहित किया है। ट्रेन से लाए गए पानी को इस कुएं में जमा करके रखा जाएगा, फिर यहां से इसकी आपूर्ति लातूर शहर में की जाएगी। पाकिस्तानी जेल में भारतीय की संदिग्ध मौत। जासूसी के आरोप में 20 साल से अधिक समय से लाहौर की एक जेल में कैद एक भारतीय नागरिक किरपाल सिंह की यहां रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। 50 वर्षीय किरपाल सिंह 1992 में कथित तौर पर वाघा सीमा से पाकिस्तान में घुसे थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में उन्हें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बम विस्फोटों के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। कोट लखपत जेल के एक अधिकारी ने कहा कि किरपाल सिंह सोमवार सुबह कोट जेल में मृत पाया गया। कहा जाता है कि लाहौर हाई कोर्ट ने उसे बम विस्फोटों के आरोप से बरी कर दिया था, लेकिन उसकी मौत की सजा अज्ञात कारणों से कम नहीं की जा सकी। पुत्तिंगल मंदिर की प्रबंधन समिति के 5 सदस्यों ने किया आत्मसमर्पण। केरल के पुत्तिंगल देवी मंदिर की प्रबंधन समिति के 5 फरार सदस्यों ने मंगलवार तड़के आत्मसमर्पण कर दिया। राज्य में किसी मंदिर में हुए अब तक के सबसे भयंकर हादसे में 109 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मंदिर न्यास के अध्यक्ष जयलाल, सचिव जे कृष्णन कुट्टी, शिव प्रसाद, सुरेंद्रन पिल्लई और रविन्द्रन पिल्लई ने पुलिस को सूचित किया कि वे आत्मसमर्पण करना चाहते हैं और उन्होंने परवूर के निकट कपिल में एक मंदिर के सामने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। ये 5 केरल के मंदिर में हुए हादसे के बाद से फरार थे। राज्य के किसी मंदिर में हुए अब तक के सबसे भीषण हादसे में 109 लोगों की मौत हो चुकी है और 350 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं।